आलोक मौर्य और एसडीएम ज्योति की कहानी किसी से छिपी नहीं है। इस मामले ने खूब सुर्खियां बटोरी थी, सोशल मीडिया पर कई मीम्स भी बने थे। इतने नहीं, कई पतियों ने ज्योति का उदाहरण देकर अपनी पत्नियों की पढ़ाई छुड़ा दी। अब मामले में ताजा अपडेट ये आ रहा है कि दोनों ने गुपचुप तरीके से समझौता कर लिया है। दरअसल लोग तब हैरान रह गए थे जब आलोक मौर्य ने पत्नी ज्योति के खिलाफ अपनी शिकायतें वापस ले ली थी। रिपोर्ट ये है कि शिकायतें वापस लेने के बाद अब मामले की फाइलें लगभग बंद हो गई हैं। इतने नहीं, जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में इस मामले के खत्म करने की बात कही है। अगर फाइलें बंद हो गई तो आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य को बड़ी राहत मिल सकती है। ज्योति भी पति के खिलाफ की गई शिकायत वापस लेने वाली है। दरअसल ज्योति मौर्य ने भी अपने पति आलोक के खिलाफ धूमनगंज थाने पर शिकायत दर्ज कराई थी। हालांकि अब खबर है कि ज्योति भी अपनी शिकायतें वापस लेने वाली है। अगर ऐसा हुआ तो आलोक मौर्य भी राहत की सांस लेंगे। आपको बता दें कि आलोक मौर्य ने ज्योति मौर्य के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत की थी। आलोक ने आरोप लगाया था कि एसडीएम बनने के बाद ज्योति ने गलत तरीके से करोड़ों की संपत्ति बनाई है। इतने नहीं, आलोक ने ज्योति मौर्य पर धोखाधड़ी का भी आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि ज्योति का होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे से अवैध संबंध है। आलोक सीधे सोशल मीडिया के जरिए सनसनी फैला दी थी। आलोक की कहानी जानने के बाद लोगों ने उनकी पत्नी ज्योति के खिलाफ अनाप शनाप बोला भी। लोगों ने आलोक के साथ सहानुभूति जताई थी, वो लोगों के लिए बेचारे बन गए थे। हालांकि कई लोगों ने उनको सपोर्ट किया था। लोगों के बीच ये खबर फैल गई थी कि आलोक ने 2010 में ज्योति से शादी की थी। इसके बाद उसे पढ़ा लिखा कर एसडीएम बनाया। जब 2015 में ज्योति मौर्य एसडीएम बन गई तो वो बदल गई और आलोक को धोखा देकर किसी और से संबंध बना लिए। अब यहाँ पे रिपोर्ट के अनुसार आलोक की शिकायत के बाद मामले की उच्च स्तरीय जांच कमिश्नर की देखरेख में हो रही है। इसके लिए कमिश्नर विजय विश्वास पंत ने 3 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई थी। इस जांच में आलोक से सबूत मांगा गया था। इसके बाद आलोक ने कमेटी से 20 दिनों का समय मांगा था। मामले में नया मोड़ तब आया जब आलोक ने सबूत देने के बदले केस ही वापस ले लिया। अब खबर है कि शिकायत वापस लेने के बाद मामले को खत्म करने के लिए अपर आयुक्त प्रशासन अमृतलाल बिंद ने रिपोर्ट दे दी है। अब देखना है कि आगे क्या होता है। हालांकि जानकारी के अनुसार दोनों के तलाक का मामला अभी भी कोर्ट में है। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि शिकायत वापस लेने के बाद अब क्या ज्योति मौर्य जो कि एसडीएम है, क्या वो भी शिकायत वापस लेती है या नहीं, क्योंकि जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि ज्योति मौर्य ने अपने पति आलोक मौर्य पर जो आरोप लगाए थे वो उन सभी आरोपों को अब वापस लेती हुई नजर आ रही है। अब देखने वाली बात होगी कि इस पर आगे क्या कुछ अपडेट सामने आता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल न्यूज़ नेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।